कहा है कि बीजेपी प्रैक्टिकल बातें नहीं करती है। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी को लेकर लगातार सियासत हो रही है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर डायरेक्ट हमलावर हो रही है और राहुल गांधी तब से बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं जब से उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर प्रभु के एक समुदाय को घेरने की कोशिश की थी अपने बयानों के चलते और उसके बाद से लगातार राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर। हालांकि जैसे जैसे बयान सामने आ रहे हैं उसका काउंटर भी किया जा रहा है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हो चाहे वो कमलनाथ की तरफ से हो। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने राहुल गांधी को दिए गए बयान को लेकर कहा है कि बीजेपी की बड़ी भूल हो गई। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। वन नेशन वन इलेक्शन का भी मामला ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा देने की मांग की गई है। राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के बयान का हवाला दिया है और बीजेपी नेताओं से राहुल गांधी की जान को खतरा भी बताया है। पत्र इसलिए लिखा गया है कि माननीय राहुल गांधी जी जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में उनके सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा उनकी जबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आतंकी हैं, जबकि राहुल गांधी के परिवार ने इस आतंकी घटना को इतना सहन कराया है, स्वयं राहुल गांधी जी ने भी इतनी आतंकी घटना को सहन कराया, आज उनकी सुरक्षा सिर्फ झेड प्लस है। तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि उनकी सुरक्षा तत्काल एसपीजी करके करी जाए। नक्सली हमले के पीड़ितों का दल राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचा है। दल में कई ऐसे पीड़ित हैं जो हिंसा के दौरान घायल होकर दिव्यांग हो चुके हैं। इस दल में कुल 55 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति से मुलाकात कर बस्तर की समस्याओं के बारे में बताएंगे। तो देखिए नक्सली हिंसा के पीड़ित अब दिल्ली पहुंचे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दल में 55 सदस्य शामिल हैं जो कि विमान से दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अपने छोटे मासूम बच्चों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, जो कि बस्तर में किस तरीके से हिंसा होती है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, इन तमाम चीज़ों से अवगत उन्हें कराया जाएगा। आम जनता की समस्या से रूबरू होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम होगा। हर गुरुवार को होने वाले इस जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर सीएम के पास आते हैं। लोगों की समस्या के समाधान के लिए सीएम साय अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो सीएम साय लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आम जनता की समस्या से रूबरू होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन कार्यक्रम होगा। हर गुरुवार को होने वाले इस जन दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर सीएम के पास आते हैं। मुख्यमंत्री निवास में आज फिर जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हर गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन यहां पर होता है और उस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आमजन से सीधे रूबरू होते हैं और आमजन अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं और सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके सामने अपनी समस्याएं जो है वो रखते हैं। और ठीक इसी तरह से सीएम हाउस के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए आज भी सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग
सीएम साय से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों में खासा उत्साह है क्योंकि आज वो छत्तीसगढ़ के मुखिया से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी समस्याएं जो है वो रखेंगे। कोई सुबह 5 बजे से यहाँ पहुंचा हुआ है तो कोई सुबह 6 बजे से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की लगी हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के हर संभाग से लोग यहाँ पर जनदर्शन कार्यक्रम में जो है पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन की समस्या जो है वो सुनते हैं और इसके साथ ही उनके साथ में सभी विभाग के अधिकारी और अफसर जो है वो मौजूद रहते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए आमजन को अपनी समस्याओं के लिए एक एप्लीकेशन लेकर आना होता है। इसके साथ ही जो कुछ भी उनकी समस्याएं हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो यहां पर पहुंचते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो अंदर जाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।